दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाई डीडी कॉरपोरेशन भोटा। हर प्रकार का सरिया, सीमेंट, मार्बल, टाइल, चादरें और हार्डवेयर एंड सैनिटरी का सामान बाजार से कम दामों में खरीदें। बाईपास रोड भोटा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर से जीवन उत्साह न्यूज पर। और दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ खास चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि हम पिछले 4-5 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में हर उस समस्या को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जो जुड़ी हुई है आम जनता से। आम जनता की जो समस्या जो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है, उस समस्या को हम अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर ईमानदारी से हम अपने प्रयास को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका जो सहयोग है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें मिल रहा है। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस व्यवस्था को एक सही तरीके से आकर लेकर चलते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना। मेरे से बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी जो मार्केट में रहते हैं पूछते हैं कि सर, आप जब ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो आपका कंपनी चलाते कैसे हैं, आपके पास फंड कहां से आता है। बहुत सारे लोगों के कॉल भी आते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी चर्चा होती है। सच में एक बड़ा विषय रहता है और आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं इस बात पे कि वाक्य में ही एक ऑर्गेनाइजेशन को ईमानदार तरीके से चलाने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब यह सहयोग गलत लोगों से भी आ सकता है और सही लोगों से भी आ सकता है। ये मेरे जमीर पे, मेरे खुद के व्यक्तित्व पे तय करता है कि मैं उसे गलत लोगों से लेना शुरू करूं या सही लोगों से लेना शुरू करूं। लेकिन मेरा जो व्यक्तित्व है वो हमेशा ये कहता है कि मैं गलत लोगों से किसी भी तरह से सहयोग अगर लूंगा तो मुझे नजर नीची करके ही उनके सामने कार्य करना पड़ेगा और मैं आम जन की समस्याओं को नहीं उठा पाऊंगा। यह मैं आपको दिल से अपनी बात बता रहा हूं। दूसरा, एक और भी बात यहां ये आती है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उस कार्य में मेरा स्वार्थ क्या निहित है। मेरा स्वार्थ निहित यह है कि मैं एक आम व्यक्ति हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं, और एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, जनता की समस्याओं को, हमारी समस्याओं को, मेरी समस्याओं को, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, मेरे समाज से जुड़ी हुई है, उनको मैं अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के खिलाफ मैं बात करता हूं उन लोगों में थोड़ा सा रोष मेरे प्रति रहेगा। हालांकि मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी रोष ना रखें। मेरा कोई भी व्यक्तिगत ऐसा सोच नहीं है कि मैं आपको किसी तरह से गलत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा संबंध केवल उन अधिकारियों से है, सरकार से है, प्रशासन से है कि जनता की जो समस्याओं का समाधान करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों के अंदर जो त्रुटियां हैं वो ना पाई जाएं और जिसकी वजह से हमारा समाज और बेहतर हो सके। दोस्तों, इस परिवेश में जहां पर इस तरह की धारणाएं रहती हैं, इस तरह की सोच रहती है, जहां पर यह कहा जाता है कि मीडिया कभी भी स्वतंत्र कार्य कर ही नहीं सकता, मीडिया ईमानदारी से कार्य कर ही नहीं सकता, मैं सोचता हूं कि कर सकता है, लेकिन उसके लिए आम जन को उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। और आम जन के वो लोग जिनके हम विरुद्ध नहीं है, क्योंकि हम आम जनता के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं। जो आपकी समस्याएं अधूरी रह जाती हैं या जो समस्याएं आपकी कोई सुन नहीं पाता है, उन समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। तो आम जन की समस्याओं को अगर हम पहुंचा रहे हैं तो आम जन जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि आम जन के विपरीत हम नहीं कार्य कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के विपरीत जरूर कर रहे होंगे, जिनका जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए या उन व्यवस्थाओं को मेंटेन करते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि हम उनके विपरीत हैं, परंतु ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं ये दिल से आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मैं अब आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अब आपकी जरूरत है, और क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए मुझे जरूरत है एक बड़ी टीम की, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए मुझे जरूरत है अब आपके सहयोग की। अगर आपको यह लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीके से आगे ले जाया जाना चाहिए, तो आप हमें अपने दिल से सहयोग करें। आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितने आपकी इच्छा हो, जितना आप कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगे कि आप एक अच्छे कार्य के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं तो मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल मुझे आते हैं इसको लेकर। लेकिन अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर जरूर गौर कर रहा हूं, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जब इंसान को लोगों का सहयोग लेना ही पड़ता है। लोगों में मैं आम जनता का सहयोग लेना पसंद करूंगा, ये मेरा व्यक्तित्व कहता है।
अगर आपको लगता है कि आप हमारे कार्य से खुश हैं, आप हमारे कार्य को और आगे बेहतर बनाने का प्रयास करते देखना चाहते हैं, तो आप हमें सहयोग करें। मैं अपना अकाउंट नंबर आपको यहां पर नीचे स्क्रीन पे दे रहा हूं और साथ में मैं यूपीआई कोड भी आपको दे रहा हूं, आप उसके माध्यम से भी हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी फाउंडेशन नहीं है, आप अपने दिल से जो सहयोग कर सकते हैं वो करें, ताकि हमें और प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की, हमें और प्रेरणा मिले अपने जीवन में और बेहतर तरीके से कार्य करने की। क्योंकि मैं हमेशा ये प्रयास करूंगा कि आप और हम एक ऐसे ट्रैक पर कार्य कर सके जहां पर सरकार तक, अधिकारियों तक उचित बात को पहुंचाया जा सके। मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो कहीं हमारे प्रति रोष रखते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा कोई भी व्यक्तिगत आपके साथ किसी तरह का कोई भी कभी वैर विरोध नहीं है। हम भी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखते सीखते बहुत सारी गलतियां भी होंगी। उन गलतियों को अगर आप हमें स्वीकार करेंगे, तो उन गलतियों को करते हुए हम और बेहतर की तरफ करते हुए हम और आप मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि आपकी जिम्मेवारी भी बेहतर समाज के निर्माण के लिए ही है। आप भी गलत नहीं हैं, आप भी भ्रष्ट नहीं हैं, परंतु आप तक जो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती हैं उनको पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। अगर मेरे को कोई सहयोग चाहिए तो मैं एक आम जनता से, आम जन से लेना चाहता हूं, और आम जन अगर मुझे सहयोग करेगा तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आप दिल से हमारे साथ जुड़िए। आप अब तक बहुत ज्यादा प्यार हमें दे रहे हैं, और भी ज्यादा प्यार दें हमें अपने चैनल को समझकर। आप इसको शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब कराइए, हर एक गांव हर एक घर को इसके साथ जोड़िए, ताकि किसी की भी कोई समस्या जो समाज से जुड़ी हुई है वो हमारे तक पहुंचाई जा सके। और आप अपनी किसी समस्या को अगर हमारे तक पहुंचाते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम उस बात को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ में। आप हमारे अकाउंट नंबर में ये सहयोग दे सकते हैं, और यूपीआई कोड भी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसके माध्यम से भी हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।